सो हेलो फ्यूचर डॉक्टर्स, कैसे हैं आप सब? आई थिंक बहुत अच्छे होंगे। मैं हूं आपका दोस्त डॉक्टर अभिषेक। दोस्तों, आप सभी नीट की काउंसलिंग में अपेयर हों, कॉलेजेस को अपनी विश लिस्ट में ऐड करें। उससे पहले मैं आप सभी को एक काफ़ी इंपॉर्टेंट और बहुत बड़ी अपडेट देने वाला हूं। अपडेट आप सभी को शॉकिंग लग सकती है, आप सभी इस अपडेट को अच्छी अपडेट की कड़ी में नहीं रखेंगे, लेकिन इस अपडेट के बारे में बात करना काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है। क्या है अपडेट, मैं आपको बताऊं। उससे पहले मैं थोड़ा पीछे ले जाऊंगा। लास्ट ईयर फरवरी के महीने में, यानी ठीक आज से एक साल चार महीने पहले जो है, हमारे देश के जो हॉनरेबल पीएम हैं, जिनको हम युग पुरुष बोलते हैं, मिस्टर नरेंद्र मोदी जी, इन्होंने ये अनाउंस किया था कि जितने भी प्राइवेट कॉलेजेस हैं उनकी 50% सीट्स पे जो है गवर्नमेंट फीस जो है अप्लाई होगी। और बच्चों ने उस अपडेट का, उस अनाउंसमेंट का बहुत ज़्यादा जो है स्वागत किया था। एक साल चार महीने हो गए हैं, अभी तक कोई भी ऐसी ऑफिशियल अपडेट नहीं आई है। उन्होंने बताया था कि हर एक मेडिकल कॉलेज की फ़ी डिसाइड करने को लेकर हम एक फ़ी रेगुलेटिंग कमेटी बनाएंगे, वो फीस डिसाइड करेगी। लेकिन डेढ़ साल होने को हैं, अभी तक ऐसी कोई भी इन्फॉर्मेशन नहीं है कि फीस कब कम होगी, कमेटी कब बनेगी और बहुत सी सारी चीज़ें हैं। अब दोस्तों, इसी बीच में महाराष्ट्र के जो कॉलेजेस हैं उन्होंने बच्चों को हैरान करने वाला एक डिसीजन लिया। अपडेट यही है कि महाराष्ट्र के जो कॉलेज हैं उन्होंने 1,00,000 रुपए तक अपनी फीस को इंक्रीज कर दिया है। जी हाँ, सुनकर शायद आपको अच्छा ना लगे, लेकिन ये सच्चाई है। न सिर्फ महाराष्ट्र, 80% ऐसे स्टेट्स हैं जहाँ की जो प्राइवेट कॉलेज थे या कुछ गवर्नमेंट कॉलेज थे, उन सभी MBBS कॉलेजेस की फीस को इंक्रीज कर दिया गया है। गवर्नमेंट फीस को कम करने की बात कर रही थी, लेकिन कॉलेजेस ने फीस को इंक्रीज कर दिया है। अब आप MBBS में एडमिशन लें, किसी कॉलेज में एडमिशन लेने या उसको विशलिस्ट में ऐड करें, उससे पहले आपका ये धर्म है कि आप अच्छे से जांच पड़ताल कर लें कि आप जिस कॉलेज में MBBS करने वाले हैं उसकी MBBS की फीस लास्ट ईयर कितनी थी और इस बार कितनी है। जो आपकी स्टेट काउंसलिंग की वेबसाइट होगी वहां पर ये नोटिस के माध्यम से बताया गया है। मैंने आपको डिस्क्रिप्शन में जो है एक लिंक शेयर कर दी है और मैंने आपके स्क्रीन पर भी जो न्यूज आर्टिकल दिया गया है उसकी फोटो शेयर कर दी है। आप उसको देख के पढ़ सकते, समझ सकते हैं, और आप चाहें तो गूगल की हेल्प से भी ये देख सकते हैं कि आपके स्टेट की फीस कितनी बढ़ाई गई है। महाराष्ट्र में 1,00,000 रुपए तक जो है कॉलेजेस ने अपनी फीस बढ़ाई है, इस बात की पुष्टि हो चुकी है। अब आपको क्या लगता है कि जो सरकार हमारे देश में चल रही है, बात सेंट्रल गवर्नमेंट की हो, स्टेट गवर्नमेंट की हो, क्या ये फीस को कम करेंगे या फिर ऐसे ही फीस बढ़ती रहेगी, बच्चों को लड्डू देकर जो है बेवकूफ बनाती रहेगी गवर्नमेंट? हमें रहेगा आपके कमेंट्स का बेसब्री से इंतजार। इस बेहद छोटी वीडियो में तो ही आप सभी देश के फ्यूचर डॉक्टर्स का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच। जय हिंद।